अब जानते हैं जीव शाप के बारे में, कैसे मिलता है ये। कुंडली में अगर केतु खराब हो तो इस शाप का निर्माण होता है। पूर्व जन्म में पशु पक्षियों की हत्या की है, हरे पेड़ कटवाए हैं, इस शाप का प्रमुख कारण है। इस दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति, मानसिक रोग और अपयश का सामना करना पड़ता है। एक बात आपको बता दें कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो पशु पक्षियों की हत्या करता नहीं तो मुझे तो इस तरह का कोई शाप मिलेगा नहीं, करते नहीं है, खाते तो हैं, तो इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जीव जीवस्य भोजनम, तो अगर हम खाएंगे नहीं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, और इसका फर्क आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। देर या सवेर आध्यात्मिक जीवन में तो भूल जाइए कि आप पशु पक्षियों का मांस खाएंगे या पशु पक्षियों की हत्या करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में तो सांस लेने में भी सावधानी रखनी है, लेकिन सामान्य जीवन में भी बहुत जरूरी ना हो तो पशु पक्षियों की हत्या मत करिए, हरे पेड़ मत कटवाइए और नॉनवेज खाने से जहां तक संभव हो परहेज करिए, संस्कार को दूषित मत करिए। क्या उपाय करें? शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं, हर शनिवार को अपने घर में बनी हुई, अपने हाथों से बनी हुई रोटी खिलाएं, जहां तक संभव हो पीपल के बहुत सारे पौधे लगवा दें और दोनों समय भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।